सर जो डिजास्टर गाइडलाइन जारी हुई है के द्वारा जो क्या क्या बंद होने वाली है, किस तरह उसका अक्षरशः अनुपालन कराया जाएगा, दृढ़ता पूर्वक अनुपालन कराया जाएगा। और लेकिन सर जो गाइडलाइन जारी हुई है क्या क्या बंद होने वाली है, किस तरह यहाँ पर चलेंगे बाजारें? देखिए, लगभग विगत दो वर्षों से हम लोग कोविड पैंडेमिक की समस्या से जूझ रहे हैं। अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा फिर से आ गया है। राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश हैं और जो कई हद तक जो ये जो कोविड पैंडेमिक सिचुएशन है और इसका जो इम्पैक्ट है इसको रोकने में सक्षम है, तो उस संदर्भ में हम लोगों ने पार्क वगैरह बंद करवा दिए हैं। जो जो बाजार है इन सबों को भी जो नियत अवधि है 8 बजे के बाद बंद कर देना है। और हम लोग डे NULM की जो मेरी महिला CEO और CRPs हैं और हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उनको भी हम लोगों ने निर्देश दिया है और उनसे अनुरोध किया है कि वे 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं जिनका वैक्सीनेशन होना है किया जा रहा है उसके लिए जागरूक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीनेट कराएं। शिक्षण संस्थान जो हैं सर या पार्क वगैरह हैं या और भी कई संस्थाएं हैं जो कि अभी गाइडलाइन जारी हुई है स्वास्थ्य मंत्री का, इस विषय पर देवघर में किस तरह लगने वाले हैं सर, क्या प्रकाश डालेंगे आप? देखिए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसका अक्षरशः अनुपालन कराया जाएगा, दृढ़ता पूर्वक अनुपालन कराया जाएगा और वो यहाँ के हित में है। कोविड का प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं हो, लोग सुरक्षित रहें, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, आवश्यकता होने पर ही बाहर निकले। बाहर निकलते समय मास्क का, 2 गज दूरी का, इन सब बातों का जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका अनुपालन करें, ये सबके हित में है। प्रशासनिक जो ऑफिस हैं सर उसमें क्या जितने कर्मचारी रहते थे उतने रहेंगे या उससे कम रहेंगे? नहीं, मैंने देखिए हम लोगों ने अपना रोस्टर बना लिया है और 50% कैपेसिटी पर हम लोग चलाएंगे। ये बात अलग है कि हमारा ऑफिस बहुत बड़ा है और हमारे काम जो हैं साफ़ सफाई के काम जो हैं वो क्षेत्र में चलते हैं, तो साफ़ सफाई भी एक अहम मुद्दा है। हम लोग अपने सफाई कर्मियों को, अपने कर्मियों को जो 10 जनवरी से जो फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में जो वैक्सीनेशन होना है उसके लिए भी हम लोग एलिजिबल हैं, तो हम लोग सभी लोगों का बूस्टर डोज भी दिलाने का प्रयास करेंगे। पूरे शहर को साफ सुथरा स्वच्छ रखने का प्रयास करेंगे, जागरूकता अभियान चलाएंगे और चला भी रहे हैं। हमारे जो सफाई वाले वाहन हैं उस पर कोविड से संबंधित जिंगल भी चल रहा है, सफाई का भी की भी बहुत चर्चा हो रही है और हम लोग हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। सरकार के निर्देशों का दृढ़ता पूर्वक अनुपालन करने से लेकर शहर को साफ सुथरा स्वच्छ रखने तक और अपने कर्मियों को जागरूक करते हुए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के दृढ़ता पूर्वक अनुपालन तक और उनके वैक्सीनेशन आदि की भी सभी बातों पर विशेष ध्यान रखें।